नमस्कार मित्रों, जैसा आप देख रहे हैं आज लगातार बारिश का मौसम बना हुआ है। लगातार बारिश चल रही है और ये हमारे जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ों में थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हो गया है, जिस कारण मैंने आज स्वेटर भी निकाली है। स्वेटर देख रहे होंगे पहने हुए, तो जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये अभी मैं सरयू नदी के तट के तट पास आया था, तो यहाँ देख रहा था। थोड़ा सा मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम परिवर्तन हुआ है आप देख सकते हैं। तो लगातार कल रात से बारिश चल रही है यहाँ, हल्की हल्की बूंदाबांदी जो झमाझम। इसी के अनुसार हमारे जिला अधिकारी महोदय ने विद्यालयों में अवकाश घोषित भी किया था, तो कक्षा एक से लेकर 12 तक के सभी विद्यालय भी बंद हैं, और आंगनबाड़ी से लेकर 12 तक के विद्यालय बंद हैं, जिस कारण से आज कोई रेड अलर्ट के अनुसार कोई आ भी नहीं रहा है। यातायात भी लगभग बंद है, ये रोड दिख रहा है, ये बिल्कुल सुनसान दिख रही है, न गाड़ी चल रही है न लोग चल रहे हैं, हल्के फुल्के कभी कभार कोई आ रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल सरयू नदी के तट का किनारा है और पार साइड बराड़ी इलाके से यमी एलिया लगभग ये पुल बाजार वाले रोड में से है। तो यहाँ देख सकता है एक कुछ समय बाद एक मैक्स होना है, यहाँ देखना गया बिल्कुल रोड बिल्कुल सुनसान है, कुछ लोग बैठे हैं, लेकिन जो हमें पहाड़ है दृश्य होना ना बिल्कुल बहुत बढ़िया लोकेशन, बिल्कुल साफ एवं शुद्ध हवाएं चल रहे हैं। यह हमें पहाड़ सुंदरता जो बिल्कुल बढ़िया, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, और ये आसपास देख सकते चाहे पहाड़ी ले दिखनी वो साफ एवं स्वच्छ पहाड़, बादल लग गई कई जगह, और यो हल्की हल्की बूंदाबांदी ले शुरू है, और तो बढ़िया मौसम है। हाँ कच्छ पहाड़ होने आप ने यो बिल्कुल सुंदर पहाड़ छो, बैठ जब मैं इसको ने हा पहाड़ तो पहाड़ी होता है, वास्तव में पहाड़ तो पहाड़ी है, पेड़ पौधे से स्वच्छ हवाएं मिलती है, स्वच्छ वातावरण है, ज़्यादा प्रदूषण लेना है। देखे चाहे बिल्कुल पहाड़ी वो तो सुंदर पहाड़ी दिन बिल्कुल हरी भरी डन, और जगह जगह बने बिल्कुल हरी भरी है वो डन। भाई लोगों ये वीडियो माध्यम में गंगा ये पहाड़ दृश्य जो पहाड़ जो हम कुमाऊनी संस्कृति छो ये बारे में वर्णन करनी है। पहाड़ का दूस सुंदर दिखनी और यह बिल्कुल नदी कसी बहन है, और यह पेड़ पौधे द्वारा का तो शुद्ध हवा मिले हैं, क्योंकि लोग जंगल में आग लगे दिन है कर दें, तो ये वीडियो माध्यम में तुम्हें दर्शन करोगे।